दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर में प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस वाले, तो मुख्यालय में ये प्रदर्शन पुलिस वालों के जरिए किया जा रहा है। दरअसल वकीलों के खिलाफ जिस तरह से झड़प हुई थी पिछले कुछ दिन से चल रही है, जिस तरह से कल की तस्वीरें भी कुछ हमारे सामने आई, तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन अब पुलिस वालों ने भी शुरू कर दिया है। 2 नवंबर को 30,000 कोर्ट में जिस तरह से झड़प हुई थी पार्किंग को लेकर, महज पुलिस और वकीलों के बीच जो झड़प हुई थी उसने इतना बड़ा रूप ले लिया है, जहां पर कल वकीलों ने कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की, लेकिन आज पुलिस वाले इंसाफ के लिए सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस मुख्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली में पुलिस बनाम वकीलों का जो मामला है बढ़ता चला जा रहा है, और इसी बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जवानों का प्रदर्शन 30,000 कोर्ट में, जिस तरह से वकील और पुलिस वालों के बीच में भिड़ंत हुई थी उसके बाद फिलहाल रोष में है पुलिस वाले। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्रदर्शन फिलहाल पुलिस कर्मियों के जरिए किया जा रहा है। तो कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरह से वकीलों ने बर्बरता के साथ पुलिस वालों की पिटाई की थी। उससे पिछले दिन 2 नवंबर को भी जिस तरह से 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई थी, उसमें भी कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए थे, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार सितम पुलिस वालों पर बरपा है, उसके बाद न्याय की मांग को लेकर ये पैम्पलेट हाथों में लिए और काली पट्टी बांधकर फिलहाल दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर ये पुलिसकर्मी विरोध कर रहे हैं। तो प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। वकीलों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर से अपनी बात भी